अगर एक एटम के अंदर प्रोटॉन ना होते तो यकीन मानिए, सुन ले भैया, यकीन मानिए, एक एटम क्या होता, एक एटम नेगेटिव होता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे, आप लोगों की ज़िंदगी ऊपर होगी, ऊपर से भी सुपर होगी, सुपर से भी डुपर होगी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज फंडामेंटल सबएटॉमिक पार्टिकल्स को, फंडामेंटल सबएटॉमिक पार्टिकल्स। इसका सेकंड टाइटल ये भी बन सकता है कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सेकंड इसकी टाइटल है आज के हमारे लेक्चर का। सो लेट्स डिफाइन द फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ध्यान दीजिए भैया, द सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच गिव द स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स टू एन एटम आर कॉल्ड एज फंडामेंटल सबएटॉमिक पार्टिकल्स। ऐसी सबएटॉमिक पार्टिकल्स जो एक एटम को ख़ास खसूसियात, ख़ास खवास, ख़ास प्रॉपर्टीज़ देती है, ख़ास बिहेवियर देती है, उन पार्टिकल को हम बोलते हैं फंडामेंटल सबएटॉमिक पार्टिकल्स। फंडामेंटल सबएटॉमिक पार्टिकल में हमारे पास कौन कौन आ रही हैं? तो दे आर जस्ट थ्री नंबर, दे आर जस्ट थ्री इन नंबर, वो सिर्फ हमारे पास तीन हैं। एंड दोस थ्री आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इफ वी फोकस ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल सबएटॉमिक पार्टिकल्स। वो तो मैंने यहां पर बता दिया कि दे गिव्स द स्पेशल करेक्टरिस्टिक, ये खास खसूसियात देती हैं। अब कौन सी खसूसियात देती हैं? वो कौन सी खसूसियात हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देती है एक एटम को, और क्वार्क्स नहीं दे सकती, एंटी क्वार्क्स नहीं दे सकती, हॉलोन्स नहीं दे सकती, बोजोन्स नहीं दे सकती, आपके पास कैप्रॉन नहीं दे सकती, मुख्तलिफ सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स थी, उनको हम फंडामेंटल नहीं बोल रहे हैं, और इन तीनों को हम फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। व्हाई? सो दीज आर द रीजंस। यहां पर मैं अभी आप लोगों के सामने रीजंस एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स मूव फॉर द फर्स्ट वन, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन, द फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन। इट कंट्रोल्स द चार्ज स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये एक एटम की चार्ज स्टेबिलिटी को, न्यूट्रलिटी को कंट्रोल करता है। कैसे? हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पीछे जाएं, मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मौजूद है ये लेक्चर, बहुत डिटेल के साथ मैंने पढ़ाया हुआ है सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटम की स्ट्रक्चर और इसका इंट्रा सेलुलर पार्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ था कि तमाम तर एटम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, द सेंट्रल बॉडी कॉल्ड ए न्यूक्लियस एंड द एक्सटर्नल पार्ट विच इज कॉल्ड एज इंट्रा न्यूक्लियर, इंट्रा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, यस हमने पढ़ा हुआ था। अब चेक कर लें, यकीन मानिए, यकीन मानिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक एटम के पास, सुन ले भैया, इस सेंटेंस को जरा गौर फरमाए, सब तवज्जो हो, एक एटम के पास अगर इलेक्ट्रॉन ना हो तो यकीन मानिए एक एटम क्या होता, एक एटम पॉजिटिव होता। एक एटम क्या होता? एक एटम पॉजिटिव होता अगर एक एटम के पास क्या ना होती, इलेक्ट्रॉन ना होते। क्यों? क्योंकि एटम के पास क्या मौजूद है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन ना होते तो प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज ना कर सकती, और एटम क्या होता, और एटम होता पॉजिटिव। मगर अभी एटम क्या है, हम जानते हैं फ्रॉम वेरी बेसिक के एटम, ऑल द एटम्स आर न्यूट्रल, तमाम तरह एटम क्या होती हैं, न्यूट्रल होती हैं, क्योंकि उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद
सेम होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। हो गई बात? चलो जी, संयोग सेंसिबिलिटी पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इट कंट्रोल्स द एटॉमिक साइज। ये एक एटम के साइज को कंट्रोल करती है, एक एटम का साइज कंट्रोल किया जाता है किस चीज से? इलेक्ट्रॉन से। हाउ? हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन होती हैं और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए, कोलंबिक फोर्सेस के जरिए अट्रैक्ट करवाई जाती है टुवर्ड द न्यूक्लियस, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं शेल्स। पढ़ा हुआ है हमने ना, यकीन मानिए, बात सुन लें कि अगर इलेक्ट्रॉन ना होते तो सुन लें, एटम का साइज भी ना होता, क्योंकि एटम का साइज किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। और कौन से इलेक्ट्रॉन पर? आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन हमारे पास जहां तक होगा वहां तक एटम की क्या होगी? साइज होगी। वहां तक एटम की क्या होगी? रेडियस होगी। तो एक एटम का जो रेडियस होता है, या जो एक एटम की साइज होती है, या जो एक एटम की डायमीटर होती है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन व्हाट? दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। हो गई बात? चले जी, सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गई। नाउ लेट्स मूव फॉर द थर्ड पॉइंट। इट कंट्रोल्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। केमिकल प्रॉपर्टीज, अक्सर स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज जब भी सुनते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आसान अल्फाज में सुन लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज से मुराद है केमिकल रिएक्शन करने का तरीका, इलेक्ट्रॉन देने का तरीका या इलेक्ट्रॉन लेने का तरीका, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टी। सो एक एटम की केमिकल प्रॉपर्टी किस चीज पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन की मिकदार पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद पर डिपेंड करती है, और स्पेशली आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद पर, जिन्हें हम बोलते हैं वैलेंसी। जिन्हें हम क्या बोलते हैं भैया? वैलेंसी। सो एक एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज किस चीज पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। कितने बॉन्ड बनाएगा? इलेक्ट्रॉन तय करेगा। कितने बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये सारे की सारी चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल के साथ इंशाल्लाह। अच्छा, इट कंट्रोल्स द एटॉमिक नंबर। क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो हमारे पास था, कुछ क्लासिकल केमिस्ट होते हैं जो कहते हैं कि हमने एटॉमिक नंबर को हम बोलते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मगर नो, आजकल ये वाला पॉइंट हमारे पास वैलिड नहीं है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज कांस्टेंट वैल्यू बट द इलेक्ट्रॉन नंबर इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन की तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है। कैसे होती है? क्योंकि ये बॉन्ड में जा रही है या बॉन्ड में आ रही है, तो मतलब ये वेरिएबल है, जबकि एटॉमिक नंबर एक कांस्टेंट वैल्यू है। बट इस पॉइंट को आप लोग काइंडली इतना कंसंट्रेट ना करें। अच्छा, नेक्स्ट, इट कंट्रोल्स द वैलेंसी। It controls. It controls the valency of an atom. एक एटम की वैलेंसी को कंट्रोल करती है। वैलेंसी से क्या मुराद है? द कंबाइनिंग कैपेबिलिटी या द कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ एन एटम। एक एटम के बॉन्ड बनाने की ताकत को या बॉन्ड बनाने की तादाद को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। और वो हम जानते हैं कि एटम कितने बॉन्ड बना सकती है, उतने बॉन्ड बनाएंगी जितने उनमें क्या होंगी? इलेक्ट्रॉन्स होंगी। फॉर एग्जांपल, हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। जानते हैं कि नहीं जानते? चले जी, अब देखते हैं उसकी वैलेंसी क्या है। वैलेंसी से मुराद है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। आखिरी शेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर से मुराद है 6, मीन प्रोटॉन 6। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4, 1, 2, 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन आ रही है। अच्छा, अब कितने इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में अनपेड हैं? एक ये और एक ये। सो वी कैन से द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, मीन कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकती है भैया? 4 बॉन्ड बना सकती है। ये कहाँ से हमें मालूम हुआ? इलेक्ट्रॉन की तादाद से मालूम हुआ। सो वी कैन से इट कंट्रोल्स द वैलेंसी ऑफ एन एटम। ये एक एटम की वैलेंसी को कंट्रोल करती है। होगी बात?
एंड लास्ट पॉइंट, याद रखिए एंट्री के हवाले से भी जरूरी है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल भी है, सब एटॉमिक पार्टिकल भी है, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल भी है, और थर्ड पॉइंट जो इंतहाई ज्यादा जरूरी, इस पॉइंट को काइंडली फोकस कर लें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एलिमेंट्री सबसे बुनियादी, एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल सबसे बुनियादी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। क्यों बुनियादी सब एटॉमिक पार्टिकल, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहरहाल आप लोग इसको फोकस कर लें कि इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल, एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल, एलिमेंट्री से मुराद बुनियादी, सबसे बुनियादी, प्रोटॉन से भी बुनियादी और इलेक्ट्रॉन से भी बुनियादी और न्यूट्रॉन से भी बुनियादी। क्लियर भैया? सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन, दैट व्हाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। काइंडली जल्दी कर लें, पिक्चर ले लें, देन वी विल मूव टुवर्ड द प्रोटॉन, प्रोटॉन की तरफ चलते हैं कि व्हाई प्रोटॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। पहला पॉइंट वही वाला, इट कंट्रोल्स द, इट controls the charge stability of an atom, it controls the charge stability of an atom। दोबारा वही बात कि अगर एक एटम के अंदर प्रोटॉन ना होते, अगर एक एटम के अंदर प्रोटॉन ना होते तो यकीन मानिए, सुन ले भैया, यकीन मानिए, एक एटम क्या होता, एक एटम नेगेटिव होता, एक एटम क्या होता, नेगेटिव होता। अगर एक एटम के अंदर प्रोटॉन ना होते तो एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते, फिर इलेक्ट्रॉन होते, और इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम क्या होता, नेगेटिव होता। मगर नहीं, एटम नेगेटिव नहीं है, जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उतने अल्लाह ताला ने क्या पैदा की हुई, उसके अंदर प्रोटॉन रखी हुई है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से द एटम इज न्यूट्रल जस्ट बिकॉज ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्लियर है भैया? चलो जी, द नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज स्टेबिलिटी के बाद, इट कंट्रोल्स द एटॉमिक साइज, इट कंट्रोल्स द एटॉमिक साइज। ये एक एटम के साइज को कंट्रोल करती है। कौन कंट्रोल करती है? प्रोटॉन। कौन कंट्रोल करती है भैया? प्रोटॉन कंट्रोल करती है एक एटम के साइज को। कैसे? यकीन मानिए, अगर एक एटम के अंदर प्रोटॉन ना होते, अगर एक एटम के न्यूक्लियस में क्या ना होते हैं, प्रोटॉन ना होते, तो सुन ले भैया, ये जो इलेक्ट्रॉन और मौजूद है न्यूक्लियस के गिर्द, यकीन मानिए ये कबूतरों की तरह ऐसे बाहर की तरफ निकल जाती और उसको कोई पकड़ने वाला ना होता। इस वक्त तक सारे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुके होते और एटम होता ही नहीं, एटम एग्जिस्ट ही ना करता। तो एटम किस वजह से एग्जिस्ट कर रही है? प्रोटॉन की वजह से एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि प्रोटॉन अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को घुमाने पर मजबूर करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, कोलम्बिक फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन घूमने पर, सर्कुलर मोशन शो करने पर, रोटेटरी मोशन शो करने पर मजबूर हो जाता है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ the coulombic force applied by the proton, the centripetal force. Clear bhaiya? That's it. The next one we have, and that is about that it controls the atomic number and atomic mass. प्रोटोन जो है वो एक एटम की एटॉमिक नंबर को भी कंट्रोल करता है और एक
एटम के एटॉमिक मास को भी कंट्रोल करता है, दोनों चीजों का कंट्रोल करता है, एटॉमिक नंबर को भी और एटॉमिक मास को भी। सुन लें, ध्यान दीजिए, हाउ इट कंट्रोल्स एटॉमिक नंबर। हम जानते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है व्हाट इज एटॉमिक नंबर, इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की तादाद को, एक एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है जो प्रोटॉन नंबर होगा वही एटॉमिक नंबर होगा, और जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन नंबर होंगे। इससे मुराद है कि प्रोटॉन किस चीज को जाहिर वो कर रही है, कंट्रोल कर रही है, एटॉमिक नंबर को कंट्रोल कर रही है। क्लियर है? एंड हम जानते हैं व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आप लोगों ने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। एटॉमिक मास से मुराद है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को इकट्ठे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास या मास नंबर बोलते हैं। अब जो एटॉमिक मास है उसमें क्या प्रोटॉन मौजूद है या नहीं मौजूद, इससे मुराद ये है कि अगर मैं प्रोटॉन की तादाद को बढ़ाऊंगा तो एटॉमिक मास बढ़ेगा, अगर मैं प्रोटॉन की तादाद को कम करूंगा तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन की तादाद क्या हो जाएगी, एटॉमिक मास की तादाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो मीन एटॉमिक मास कैन आल्सो बी कंट्रोल्ड बाय प्रोटॉन एंड एज वेल एज न्यूट्रॉन। अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट, इट कंट्रोल्स दी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट कंट्रोल्स दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। ये एक एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, एक एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज को या एक मादे की फिजिकल प्रॉपर्टीज को, कोई भी मादा हो, कोई भी सब्सटेंस हो, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन लाइक द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, रिफ्रैक्शन वगैरह, दीज ऑल आर कंट्रोल बाय व्हाट, कंट्रोल बाय प्रोटॉन। हाउ मीन, जितना प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली उतना एटॉमिक मास ज्यादा होगा, और जितना एटॉमिक मास ज्यादा होगा उतने उसके एटम्स वजनी होंगे, और जितने एटम वजनी होंगे ऑटोमेटिकली उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है भैया? एंड लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। याद रखिए, प्रोटॉन कंट्रोल्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम, इट कंट्रोल्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। ये एक एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कंट्रोल कर सकता है। कैसे? यहाँ पर लड़के तो उसे चौंक जाते हैं कि सर आपने तो बोला हुआ था केमिकल प्रॉपर्टी से मुराद है इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज का नाम था, यहाँ पर फिर प्रोटॉन कहाँ से आ गए? सुन ले भैया, प्रोटॉन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता केमिकल बॉन्डिंग को या केमिकल बिहेवियर को या केमिकल रिएक्टिविटी को, बट इनडायरेक्टली हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में एंड इन सेकेंड ईयर वी विल आल्सो डिस्कस इंशाल्लाह कि जितने आपके पास प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उतनी एटम की साइज छोटी होगी, उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये पॉइंट याद रखना है, हम डिस्कस करेंगे हैलोजन फैमिली में। तो मीन हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की तादाद कंट्रोल कर सकती है एक एटम की रिएक्टिविटी को, बढ़ा भी सकती है, कम भी करवा सकती है वगैरह वगैरह। सो द रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल प्रॉपर्टीज इज आल्सो आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोटॉन इनडायरेक्टली। ठीक है जी, डायरेक्टली तो नहीं है, प्रोटॉन डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किस चीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज में। या तो एक एटम को रिएक्टिव बना सकती है या लेस रिएक्टिव बना सकती है। वी विल डिस्कस इन इन सेकेंड ईयर इन चैप्टर नंबर 1 एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन डिटेल इंशाल्लाह। सही है? ये थे हमारे पास प्रोटॉन की जिक्र। आप प्रोटॉन के बाद डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन एक एटम की प्रॉपर्टीज को कैसे कंट्रोल करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है और क्यों फंडामेंटल है, तो लेट्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट याद रखिए, ये
चार्ज स्टेबिलिटी को या न्यूट्रलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये चार्ज स्टेबिलिटी को या न्यूट्रलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। कि चाहे प्रोटॉन चाहे न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ जाए एक एटम के अंदर, चाहे कम हो जाए, तो ध्यान रखना ये कभी भी चार्ज को अल्टर या चेंज नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर क्या कर सकते हैं, लिख लें, इट कंट्रोल्स द एटॉमिक मास, इट कंट्रोल्स द एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास को कंट्रोल करती हैं। जो न्यूट्रॉन है वो एटॉमिक मास को कंट्रोल करते हैं, नॉट द एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन इन्वॉल्व है, न्यूट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन इज ओनली इन्वॉल्व इन व्हाट, इन एटॉमिक मास। सो वी कैन से दैट न्यूट्रॉन कंट्रोल्स द एटॉमिक मास। क्लियर भैया? अच्छा, सेकेंड, नेक्स्ट मूव करते हैं किसी तरफ। ये एटॉमिक, ये न्यूक्लियस के एटम के साइज को भी कंट्रोल नहीं करती। हाँ, इट कंट्रोल्स दी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। किस चीज को? ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को कंट्रोल करती है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। कैसे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है या सुना हुआ होगा ग्लुओन फोर्सेस आर द फोर्सेस विच एग्जिस्ट बिटवीन टू प्रोटॉन। दो प्रोटॉन को एक न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन को दरमियान में खून जकड़ के रखती है, एक फोर्स जकड़ के रखती है, उस फोर्स का नाम है ग्लुओन फोर्स। क्या बोलते हैं भैया? ग्लुओन फोर्स, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ग्लुओन फोर्स, आर वी कैन से न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, तो ये जो ग्लुओन फोर्स है, जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये खून एस्टेब्लिश करता है, खून लाता है इसको। सो वो लाता है हमारे पास, ग्लुओन फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाई न्यूट्रॉन। कौन लाती है भैया? न्यूट्रॉन पैदा करती है ग्लुओन फोर्सेस को। ग्लुओन फोर्सेस को कौन प्रोड्यूस करती है? न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करती है। सो वी कैन से दैट द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जो है, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन सिमिलर चार्जेस एग्जिस्ट करती है, हालांकि इनको एग्जिस्ट तो नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये रिपेल होती है, सेम चार्जेस हैं, तो इन्हें कौन जकड़ के रखता है? एक फोर्स जकड़ के रखती है, जिन्हें बोलते हैं ग्लुओन फोर्स, या एमनियम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो वो न्यूक्लियर फोर्स किसकी वजह से है? न्यूट्रॉन की वजह से है। इसी वजह से तो क्या है, न्यूक्लियस स्टेबल है और न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रही है। किसकी वजह से? न्यूट्रॉन की वजह से। सो देन वी कैन से दैट न्यूट्रॉन एक्चुअली न्यूट्रलाइज द न्यूक्लियस। होगी बात? नेक्स्ट हमारे पास आ रही है, आप लोगों ने सुना होगा आइसोटोपी के बारे में। किसके बारे में भैया? आइसोटोपी। लिख ले, इट कंट्रोल्स दी आइसोटोपी से मुराद है आइसोटोप्स फॉर्मेशन प्रोसेस, के कुदरती तौर पर नेचुरली और आर्टिफिशियली जब आइसोटोप्स बनाए जाते हैं या बनते हैं, उस अमल को हम बोलते हैं आइसोटोपी। द फॉर्मेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एटम या एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज आइसोटोपी। तो जो आइसोटोपी है, एक एटम के आइसोटोप जो बनते हैं, सॉरी, एक एलिमेंट के जब आइसोटोप्स बनते हैं, कार्बन के आइसोटोप्स या हाइड्रोजन के आइसोटोप या जिंक के आइसोटोप जब बनते हैं, तो उस फेनोमेना को हम बोलते हैं आइसोटोपी। और हम जानते हैं आइसोटोप्स किस बुनियाद पर बनते थे? आइसोटोप्स बनते हैं न्यूट्रॉन की बुनियाद पर। किसी बुनियाद पर? न्यूट्रॉन की बुनियाद पर। न्यूट्रॉन का ज़्यादा होना या न्यूट्रॉन का कम होना क्या कहलाती है? आइसोटोपी कहलाती है। और इससे मुख्तलिफ सारे आइसोटोप्स बनते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन। किसकी वजह से? न्यूट्रॉन की वजह से।
होगी बात. सो नेक्स्ट मूव करते हैं. इट कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम. इट कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम. ये एक एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है. जिस तरह प्रोटॉन कर रही थी, इसी तरह न्यूट्रॉन भी क्या करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करती हैं. वही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह सारे, ये सारे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो ये मास पर डिपेंडेंट हैं. रीज़न क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो ये एटॉमिक मास पर डिपेंडेंट है. और चूंकि एटॉमिक मास में न्यूट्रॉन का रोल है, एटॉमिक मास में न्यूट्रॉन का रोल है, तो ऑटोमेटिकली जब वो एटॉमिक मास को कंट्रोल करती है, तो ऑटोमेटिकली वो किस चीज़ को कंट्रोल कर रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी कंट्रोल कर सकती हैं. ओके भैया, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेनी है तो काइंडली एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आप फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह. ले लिया सबने, चले गुड शाबाश. तो ये था हमारे पास रीजंस कि जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं. जो अक्सर स्टूडेंट्स की मैसेजेस आ रहे थे, मैंने उस बुनियाद पर इसको डिस्कस किया. तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. काइंडली मेरी वीडियोस को शेयर करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाएं, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करते जाएं और अपने दोस्तों को बुलाते चले जाएं मेरे फिज़िकल क्लासेस में. मेरे फिज़िकल क्लासेस हो रही होती हैं, चल रही होती हैं करतबा अकेडमी में. मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ एज अ केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, एंड आई एम आल्सो टीचिंग एट बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी इन द सेक्शन ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री. मैं वहाँ पर फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ. तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले आऊँ. वक्तन फ़वक्तन मेरे ख़ुद शुरुआत है, कोशिश करूँगा कि मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लाता जाऊँ. आप लोगों की खिदमत में मैं हाजिर रहूँ और आप लोगों को प्रमोट करता रहूँ, आप लोगों को गाइड करता रहूँ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. द खुदाई पामान.